बदायूं में शहर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को लापता हुई 2.5 साल की बच्ची का शव 21 घंटे के बाद आज उसके घर के पास नाले में बहता मिला है। जानकारी के मुताबिक शहर कोतवाली के मोहल्ला नाहर खां सराय निवासी राजेंद्र प्रजापति की 2.5 साल की बच्ची भारती गुरुवार को सुबह 11 बजे लापता हो गई। बच्ची की गूंगी बहरी दिव्यांग माँ किरण आसपास में उसे खोजती रही। वहीं बच्ची का पिता जब काम से लौटा तो उसने भी उसकी खोजबीन की। इसके अलावा सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस भी बच्ची को खोजने में जुट गई, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल सका। वहीं आज घर के पीछे बने विशाल नाले में बच्ची के गिर जाने की आशंका पर नगर पालिका से नाले की सफाई को कर्मी बुलाए गए। इस दौरान बच्ची का शव घर से थोड़ी दूर पर झाड़ी में फंसा हुआ मिला, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें डूबने से मौत होने की बात सामने आई है। 11 बजे से लापता हो गई थी, घोरे पे मिली थी, मैंने मार के डाल दी थी। कौन से घोरे पे मिली? नाले पपड़ी जा रहे है। अच्छा, क्या नाम था बच्ची का? भारती। कब मिली है जी? आज सुबह के 10:30 बजे टाइम था। क्या लगता है किसी ने इसकी हत्या की है? नहीं, कुछ नहीं। किसी ने इसकी हत्या की है क्या? हाँ, हत्या की थी। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं, कुछ नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं थी। जनपद बदायूं में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में लालपुर मोहल्ले के जो राजेंद्र सिंह निवासी हैं, इनकी 2.5 वर्षीय बच्ची का कल मिसिंग की सूचना शाम को मिली थी और पुलिस हमारी लगातार सर्च कर रही थी। इस संदर्भ में थाना कोतवाली में ऑलरेडी अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया था। आज प्रातः जो बच्ची का घर उसके पीछे नाले में उसकी डेड बॉडी मिली है, इसको पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है कि इसमें किन कारणों से इसकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाएगी और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि इसके पीछे क्या कारण है। जो भी परिणाम आएगा तदनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।